दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, 15 साल बाद एमसीडी से भाजपा आउट, बीजेपी को 104 आपको 134 सीटें। केजरीवाल बोले मोदी के आशीर्वाद से विकास करेंगे। जी देखिए, दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से काबिज भाजपा का पत्ता साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी ने यह बहुमत से जीत दर्ज की है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 250 सीटों वाले एमसीडी में आपको 134 सीटें मिली है, जो बहुमत से 8 ज्यादा है। वहीं भाजपा को 104, कांग्रेस को 9 और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। एमसीडी में आपकी जीत पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बधाई दी है। पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने अपने बेटे और भाई को दिल्ली की सफाई और भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने आगे कहा कि हमें केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए, प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद चाहिए। बड़ी खबर में देखिए, दिल्ली एमसीडी चुनाव में जेडीयू की करारी हार, नीतीश कुमार की उम्मीदों को झटका। जहाँ देखिए, दिल्ली नगर निगम चुनाव में जेडीयू को करारी हार मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के देश भर में विस्तार करने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू ने एमसीडी के 250 में से महज 23 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारे थे, उनमें से कोई भी जीत नहीं पाया है और न ही मुकाबले में रहा है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमसीडी चुनाव की घोषणा के बाद जेडीयू ने दिल्ली के सभी 250 वार्डों में लड़ने की बात थी। हालांकि बाद में पार्टी ने महज 23 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। आपको बता दें कि जेडीयू सिर्फ उन वार्डों में लड़े जिनमें बिहारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। हालांकि फिर भी नीतीश की पार्टी मुकाबले में नहीं रही। दिल्ली के अधिकतर वार्डों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखी गयी। बड़ी खबर में देखिए, कोडनी उपचुनाव का रिजल्ट आज, वोटों की गिनती से पहले महागठबंधन और बीजेपी के खेमे में बेचैनी। देखिए, बिहार के कोडनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे 8 दिसंबर यानी आज आएंगे। वोटों की गिनती गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इससे पहले महागठबंधन और बीजेपी के खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। वहीं देखिए, आरजेडी और जेडीयू समेत अन्य सत्ताधारी दल महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता केदार गुप्ता की जीत को लेकर निश्चित है। दूसरी ओर मुकेश सहनी ने अपने ही पार्टी बीआईपी के प्रत्याशी नीलाब कुमार की जीत का दावा किया है। ऐसे में कोडनी सीट के चुनावी रिजल्ट पर राज्य भर की निगाह टिकी हुई है। गुरुवार दोपहर 2 बजे तक चुनावी परिणाम जारी होने की उम्मीद है। वहीं अधिक जानकारी के लिए बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के कोडनी में उपचुनाव की काउंटिंग की तैयारी तेज हो गई है। आरडीएस कॉलेज परिसर स्थित स्ट्रांग रूम में गुरुवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। कुल 14 टेबल पर वोटों की गिनती होगी। वहीं 2 टेबल पर पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। इसके मंगलवार को कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। बड़ी खबर में देखिए, गुजरात हिमाचल में बने रहेगी भाजपा की बादशाहत या कांग्रेस करेगी वापसी, सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। जहाँ देखिए, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के साथ ही 6 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव के लिए आज यानी सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में कुल 116 केंद्रों पर मतगणना की जाएगी। वहीं हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव जबकि अन्य प्रदेशों में विधान सभा और लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग ने बयान जारी करते हुए कहा कि मतों की गिनती का काम सुबह 8 बजे से शुरू होगा और सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती की जाएगी। साथ ही इसमें कहा गया कि सुबह 8 बजे से पहले तक प्राप्त होने वाले डाक मत पत्रों की गिनती में शामिल किया जाएगा। इसके अनुसार डाक मत पत्रों की गिनती शुरू होने के 30 मिनट के अंतराल के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के मतों की गिनती सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। बड़ी खबर में देखिए, सर्द पछुआ हवा ने बिहार में बढ़ाई कनकनी, देखे कब तक सताएगी ठंड। जब देखिए, मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ठंड का यह सिलसिला अभी जारी रहने की संभावना है। पारा की ओर खिसकने की संभावना है। हालांकि दिन में धूप निकलती है लेकिन दिन प्रतिदिन धूप का असर कम होता जा रहा है। वहीं देखिए, पर्वतीय प्रदेश में हो रही बर्फबारी का असर राजधानी समेत प्रदेश में देखने को मिला है। पछुआ के साथ बर्फीली हवा का प्रभाव होने से पटना समेत के 17 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। हालांकि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी संभावित है। इसके बाद फिर से तापमान में गिरावट की संभावना है। इससे पूरे हफ्ते में पारे में उतार चढ़ाव बना रहेगा लेकिन 11 दिसंबर के बाद प्रदेश में सर्द हवाओं का प्रभाव पूरी तरह बनने की संभावना है। अभी राज्य भर में पछुआ हवा 12 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। इसके प्रभाव से अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा।
वहीं देखिए बिहार में ठंड व शीतलहर की संभावनाओं को लेकर जारी की गई एडवाइजरी, आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी डीएम को किया अलर्ट। यहाँ देखिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के डीएम को बदलते मौसम में शीतलहर व पाला से बचाव के लिए अलर्ट किया है। विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया कि दिसंबर से जनवरी के बीच मौसम में अधिक ठंड रहती है, वहीं कभी कभी यही ठंड शीतलहर का रूप भी ले लेती है। ऐसे में जरूर है कि अभी से ही जिले में शीतलहर से बचाव की तैयारी कर ली जाए। गरीबों और आवासहीन लोगों के लिए अस्थायी व्यवस्था करें, वहाँ जहाँ रात गुजार सके वहीं कोविड गाइडलाइन के मानकों का पूरी तरह से पालन करें। साथ ही एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी के नियंत्रण निगरानी में अलाव व्यवस्था का प्रभारी नामित किया जाए। इनका दायित्व ठंड से बचाव से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा। बड़ी खबर में देखिए बिहार में अब ऑनलाइन मिलेंगे जमीन से जुड़े दस्तावेज, शुरू हुआ 1995 से पहले के दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन। यहाँ देखिए बिहार के निबंधन कार्यालय में रखे दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन की पुनः शुरुआत हो गई है। वर्ष 1995 से लेकर अब तक के दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटाइज वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब 1995 से लेकर 1791 यानी करीब 200 वर्षों के दस्तावेजों की स्कैनिंग शुरू की गई है। चयनित एजेंसी ने 38 में से 31 जिलों में काम शुरू कर दिया है। दस्तावेजों के डिजिटाइज के पश्चात जहां आम लोगों को पुराने दस्तावेजों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में सुविधा होगी, वहीं लोग खुद भी bhoomijankari.com पर खाता खेसरा तीसरी नंबर डालकर अपने दस्तावेज की कॉपी देख सकेंगे। बड़ी खबर में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप 2.0, लाइव देख सकेंगे कार्यवाही। जहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एंड्रॉइड फोन एप्लीकेशन का 2.0 संस्करण लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन एंड्रॉइड यूजर के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ऐप के जरिए कानून अधिकारियों एवं केंद्रीय मंत्रालय के नोडल अधिकारियों को रियल टाइम में अदालती कार्यवाही देखने की सुविधा देगा। मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार के दिन कामकाज की शुरुआत करने से पहले यह घोषणा की है। वहीं देखिए भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस ऐप के जरिए वकील और अधिवक्ताओं के रिकॉर्ड के अलावा विभिन्न मंत्रालय के सभी कानून अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को रियल टाइम में अदालत कार्रवाई का प्रदान करेगा। वे इस एप्लीकेशन के माध्यम से लॉगिन करके अदालती कार्रवाई देख सकेंगे। बड़ी खबर में देखिए लोकसभा में बिहार सरकार की दोहरे नीति पर हमला। पहले दिन ही भाजपा ने बिहार के सीमांचल में स्कूलों की छुट्टी के मामले को उठाया। भागलपुर हत्या पर भी सवाल। यहाँ देखिए लोकसभा में शुरू हुए शीतकालीन सत्र में बिहार के मुद्दे को जमकर उठाया गया। एक बार फिर भाजपा के सांसद और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीमांचल में चल रहे सरकारी स्कूलों के शुक्रवार को छुट्टी देने का मामला उठाया है। उन्होंने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि बिहार में संविधान की धज्जियां उड़ रही है। बिहार में सभी सरकारी स्कूलों के लिए साफ नियम है कि रविवार को बंद होंगे और उर्दू स्कूल शुक्रवार को बंद। इस पर मेरी आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरे सीमांचल क्षेत्र चाहे वो किशनगंज हो, पूर्णिया हो, अररिया, सभी जगहों पर शुक्रवार को ही छुट्टी की जा रही है। वहीं देखिए भाजपा से बेतिया सांसद ने कहा कि भारत सरकार मध्याह्न भोजन शुक्रवार के लिए भी देती है, लेकिन उस दिन बढ़ता ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि छुट्टी के द्वारा पूरा का पूरा पैसा घोटाला और संविधान से ऊपर व्यक्ति कैसे हो सकता है। मेरे लोकसभा क्षेत्र के मंजरिया में उर्दू स्कूल है और एक भी अल्पसंख्यक बच्चा वहाँ नहीं पढ़ता है, फिर भी वहाँ जबरदस्ती वहाँ शुक्रवार को छुट्टी कराई जा रही है। बड़ी खबर में देखिए जेडीयू की हार पर भाजपा का तंज, कहां कहीं बिहार में भी नहीं हार जाए नीतीश, छोड़ दे पीएम बनने की सपना। जी देखिए दिल्ली में नगर निगम चुनाव का परिणाम आ गया है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने 15 सालों से इस चुनाव में जीत हासिल करने वाली पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत दर्ज किया है। वहीं भाजपा ने 104 सीटों पर जीत हासिल किया है। लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में सबसे अधिक इस बात की चर्चा है कि दिल्ली नगर निगम में मैदान में उतरे जेडीयू को क्या हाल चल रहा है। अब इसी को लेकर बिहार विधान परिषद के नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी ने जोरदार हमला बोला है। वहीं के भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। उनकी पार्टी देश भर के भाजपा विरोधियों को एक साथ करने में लगी हुई है, लेकिन अब उस पार्टी का एकजुटता का परिणाम देखिए दिल्ली नगर निगम चुनाव में कहीं कुछ मालूम नहीं चला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी का यहां खाता भी नहीं खुल पाया, इसलिए इस परिणाम के बाद नीतीश कुमार को अब पीएम बनने का सपना देखना छोड़ देना चाहिए। उनसे सही मायने में बिहार तो संभल नहीं रहा है और दिल्ली में चुनाव लड़ने जाते हैं, साथ ही पीएम बनने का सपना देखते हैं, इसी कारण उनके हाथ से बिहार भी चला जाएगा। बड़ी खबर में देखिए कोड़ेने उपचुनाव परिणाम से पहले मुकेश सहनी के घर बनने लगे लड्डू, कहा जीत है सुनिश्चित। जैसे कि बिहार में आ जाने 8 दिसंबर को कोड़ेने विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आने वाला है। इसको लेकर चुनाव में उतरे सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवार द्वारा अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। वहीं देखिए इसी बीच महागठबंधन और उसके बाद भाजपा से अलग होकर पहली बार चुनाव मैदान में उतरे विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से अपने जीत की तैयारी को लेकर तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि उनकी पार्टी कोड़ेने में उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस किया है और उनके प्रत्याशी
प्रत्याशी नीलम कुमार कुर्नी उपचुनाव में विजय पताका लहराएंगे। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी का कहना है कि कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही मालूम चलेगा कि जीत किसकी हुई है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार आने वाले पर्यटकों को मिलेगा एक और रोपी वे। जहानाबाद के वानावार में पहाड़ तोड़कर किया जा रहा है निर्माण। यह देखिए, जहानाबाद जिले के ऐतिहासिक मगध का हिमालय नाम से मशहूर मखदुमपुर प्रखंड का वानावार पहाड़ पर लंबे अरसे के बाद रोपी निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। पहाड़ी इलाके के हथिया बोर में निर्माण कंपनी के द्वारा कैंप कार्यालय खोला गया है। साथ ही पहाड़ी इलाके में लगे जंगल की सफाई किया गया है। पहाड़ी इलाके में निर्माण कंपनी के मजदूर के द्वारा जगह जगह पर पहाड़ को तोड़कर पिलिंग किया जा रहा है। की जानकारी के लिए बता दें कि वानावार पहाड़ पर रोपवे निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 16 नवंबर 2016 को कैबिनेट की बैठक में निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान किया था। अगली खबर में देखिए, वर्दी की चार रखने वालों के लिए सुनहरा अवसर, 1 से 2 महीनों में होगी 62,000 पदों पर भर्ती। जी हाँ देखिए दोस्तों, वर्दी का शौक रखने वाले युवाओं के लिए बिहार सरकार सुनहरा अवसर प्रदान करने जा रही है। बिहार सरकार की तरफ से राज्य पुलिस में 1 या 2 हजार नहीं बल्कि 62,000 पदों पर बहाली की तैयारी अंतिम चरण में है। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से अगले 1 से 2 माह के अंदर सिपाही के करीब 6500 रिक्त पदों से बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वहीं बाकी के 55,000 से अधिक पदों पर यह चरणवार की जाएगी। वहीं देखिए, जल्द ही नए पदों के सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही सिपाही की बहाली को लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से जिला और इकाइयों से सिपाही के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी, जिसके बाद यह आंकड़ा मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है। वहीं देखिए, बिहार पुलिस में वर्तमान में स्वीकृत सिपाही के पद में से करीब 6500 पद रिक्त है। इसके बाद अब पुलिस मुख्यालय रोस्टर क्लियरेंस में जुट गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी महीने या अगले महीने तक हर हाल में सिपाही के इन पदों पर बहाली की अधियाचना केंद्रीय चयन परिषद को भेज दी जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, निजी नलकूप के लिए 30,000 किसानों को अनुदान देगी बिहार सरकार। जी देखिए, राज्य के 30,000 किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए 50 से 80% तक अनुदान मिलेगा। इसके लिए 210 करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित किया गया है। वहीं देखिए, अनुदान आधारित निजी नलकूप योजना के लिए मंजूरी के लिए लघु जल संसाधन विभाग जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव भेजेगा। इसके बाद विस्तृत दिशा निर्देश बनाकर किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि नलकूप लगाने को लेकर जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग ने संयुक्त से सर्वे कर पंचायत और जगह चिन्हित किया है। तैयार प्रस्ताव के अनुसार एक नलकूप लगाने में अधिकतम 84,600 रुपए की लागत आएगी। इस योजना के तहत सामान्य को 50%, पिछड़ा व अधिक पिछड़ा को 70% और अनुसूचित जाति व जनजाति को 80% अनुदान मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।